स्टूडेंट्स पर है कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें दो तरह का रेडियो है, नंबर वन नंबर टू। इनका ये सारा मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, सारे एक्सपेंस दिए हुए हैं और फिर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सपेंस दिया हुआ है। फिर नीचे कह रहा है कि दोनों लाभों के मिलान के लिए समाधान विवरण बनाइए। तो रिकॉन्सिलिएशन में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको तैयार करना है इसमें कॉस्ट शीट ऑफ रेडियो। ठीक है, दो तरह का है तो यहाँ पे नंबर वन नंबर टू और लास्ट में आप टोटल लिख सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ आप पार्टिकुलर लिखिए। मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल 2400 है और ये 3200। लेबर दिया हुआ है 45 60 56 56, दोनों को जोड़ देंगे हम, ये प्राइम कॉस्ट निकल आएगा। ये जोड़ने होता है 6960 और ये 8888। ठीक है, इसको भी आप जोड़ सकते हैं, ये निकल जाएगा 4560 और इसको जोड़ने से ये होता है 10216। ठीक है, आगे आपको इसमें ऐड करना है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस। क्वेश्चन कह रहा है फैक्ट्री के बारे में कि लेबर का 100% फैक्ट्री में खर्चा होता था। ये लेबर है 4560 4560 और ये 56 56। ठीक है, जोड़ देंगे हम, जो आएगा वो कल आएगा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। जोड़ने से ये होता है 11520 और इसको जोड़ने से ये होता है 8614, 8513 14, 1814 1815 1813 14, 14544। ठीक है, आगे इसमें जो खर्चा है उसको बोलते हैं ऑफिस ऑन कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट का 25% 25% इसका आप निकाल लीजिए 25%, ये गुना भाग करने से ये होता है 2880 और फिर इसका निकालेंगे हम 25%। किसी को निकालने में दिक्कत हो तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ये 14544 गुना 25/100। ठीक है, 25 × 100 फिर 4 से भागा लगा दो, ये होता है 3636, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जोड़ दो, जो आएगा वो कल आएगा टोटल कॉस्ट। जोड़ने से ये होता है 14400 और ये होता है 18180। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन कह रहा है 150 प्रति रेडियो की दर से 150 प्रति रेडियो की दर से 120 रेडियो आपने बेचा है, तो ये 1580 से 18000 हो गया। दूसरा रेडियो जो है 202 रुपया प्रति रेडियो की दर से 110 रेडियो बेचे हैं, तो गुना कर लेंगे आप 22220, डिफरेंस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 3600 और ये 0 8 4 12 2, इसे दो गया 0 8 4 12 40 40। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे हम तो कुल लाभ निकल जाएगा मेरा 40 36 76 40 और इसे दोनों को जोड़ देंगे हम तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 18 22 40 होता है 40220, क्योंकि ये आपको आगे चल के काम आने वाला है। ठीक है ना, ये था कॉस्ट शीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे आपको तैयार करना है इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आइए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तो मटेरियल लिखेंगे हम, जो कि हम पहले ही जोड़ लिए हैं, सबसे ऊपर में देखिए जोड़ा हुआ है मटेरियल, कुल जोड़ने से 4560 आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 4560 और लेबर जोड़ा हुआ है 10216। कहाँ से आया तो यहाँ देख लीजिए एक बार आप, लेबर ये 10216 कुल ले लिए हम,
फिर आगे टू फैक्ट्री एक्सपेंस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9920, 9920। फिर आगे ऑफिस एक्सपेंस भी दिया हुआ है 6760, और तो कुछ है नहीं। बाय सेल्स, सेल्स यहाँ से लेंगे हम 40220, सबको जोड़ दो 40220, 40220 जोड़ के इसमें घटा देंगे हम, जो आएगा वो कल आएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये घटाने से ये होता है 7692। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है वो देखिए। ये जो है कोर्स सीट का प्रॉफिट आया है 7640 और फाइनेंशियल का प्रॉफिट आया है 7692। तो इसी दोनों प्रॉफिट के का जो अंतर है, डिफरेंस है ना, आपकी डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो इसी अंतर को मिलाने के लिए हम जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं ना, उसी स्टेटमेंट का नाम है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है ना, आइए हम बनाते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आप पहले पार्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ लिखिए, प्रॉफिट एज पर कोस्ट सीट। कोस्ट में कितना आया था प्रॉफिट, 7640 आया था। अब करना क्या आपको वो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है यदि आप प्रयास करना चाहे तो। इसमें क्या है कि सारे यहाँ तक दो खर्चा समान है, मतलब लेबर आपका सेम है, हाँ फैक्ट्री में चेंज है। फैक्ट्री में क्या है कि फैक्ट्री में यहाँ कुल खर्चा होता है 4560 और ये 5656, तो यहाँ पर फैक्ट्री में कितना खर्चा हो रहा है, दोनों को जोड़ लेंगे हम, ये तो दोनों सेम ही है ना, 4560 5556, ये जोड़ने से होता है 10216। मतलब कोस्ट के जो है ना फैक्ट्री में, कोस्ट सीट्स के फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है 10216, लेकिन फाइनेंशियल की फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है 9920। तो फाइनेंशियल में तो कम हो रहा है ना, कोस्ट में अधिक हो रहा है। तो रूल कहता है कि कोस्ट में जो खर्चा अधिक है उसको ऐड कर दो, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, हम ऐड एक्सपेंस ओवर चार्ज फैक्ट्री एक्सपेंस 10216, यहाँ पर था 9900, कितना था जी 20, डिफरेंस आता है 296 का। ठीक है, और आगे कौन सा खर्चा है वो देख लेते हैं। आगे है ये ऑफिस में, तो ऑफिस में कुल खर्चा कितना है, ये होता है, इसको दोनों को जोड़ देंगे हम, तो ऑफिस में होता है 6516, कितना होता है ऑफिस में 6516 होता है, यहाँ पर कितना है 6770 है, तो यहाँ तो कम है ऑफिस में ना, कम है तो हम घटा देंगे इस तरह के एक्सपेंस को। तो जो खर्च कोस्ट में अधिक है जोड़ देंगे, कोस्ट में कम है तो घटा देंगे, कोस्ट सीट में हम तो लेस कर देंगे हम, एक्सपेंस अंडर चार्ज, एक्सपेंस अंडर चार्ज, तो कोस्ट में कितना है एक मिनट, ये है 6760 और ये 6516, 6760 - 6516 घटाएंगे हम, ये हो जाएगा 244। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, इसको जोड़ लेंगे हम, जोड़ने से ये होता है 6 4 9 13 हासिल 1 6 7 2 9 7936 घटाएंगे 244, तो ये हो जाएगा 4 2 6 4 9 13 2 1 3 6 9 7 7 7692, ये कहलाएगा जो घटाने से आया, ये आपका आंसर हो गया, और ये कहलाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है ना, मतलब यदि हम कोस्ट का प्रॉफिट लेंगे तो फाइनेंशियल का आएगा, यदि हम इसका लेंगे हम तो ये आ जाएगा,
इसी को स्टेटमेंट को क्या करना होता है, मिलान करना होता है। ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।